नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करें NHPC शेयर के बारे में, कि आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का जो है सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो इंडिकेट करें, पूरा हम आपको जो है गाइज A to Z क्लियर कर देंगे। तो गाइज, अगर आप जो इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखेगा, और जो है नेक्स्ट टारगेट आपको जो है इस शेयर में क्या देखने को मिलेंगे वो भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टॉक का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करें NHPC के बारे में, इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो इंडिकेट करें, और यहाँ पे क्या मोमेंटम बन रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में स्टॉक तकरीबन 11%, पिछले एक महीने में तकरीबन 12%, तो एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी और एक स्ट्रॉन्ग रैली जो हमें NHPC में देखने को मिली है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महीने में जो है शेयर कैसे जो है भागा और कैसा जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। तो मैं आपको यही राय दूंगा गाइस, और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, NHPC में जो है आपको आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में जो है 200 प्लस के टारगेट जो है देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एनर्जी सेक्टर की डिमांड जो है फ्यूचर में इंडिया में बढ़ने वाली है, और NHPC तो जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो है गाइस प्रोड्यूस करता है। तो NHPC में आप लोग जो है बेफिक्र होकर बैठिए, कोई भी कमी आपको जो है NHPC में जो है लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सुस्त जो है ये स्टॉक चलेगा, ऐसा जो है ब्लास्ट अप स्टॉक में आपको देखने को उतना खास नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर आपको 200 प्लस का होता हुआ दिखेगा, और 200 प्लस के टारगेट आपको जो है NHPC में देखने को मिलेंगे। तो गाइज, मेरे हिसाब से तो NHPC एक बाय कॉल रहेगा, बेफिक्र होकर आप जो है NHPC में बाइंग करके चलिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है, वैल्यूएशन मुझे जो है कंपनी की गाइज ठीक लग रही है, तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सुस्त चलेगा स्टॉक और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 200 का होकर रहेगा। बाकी क्वार्टरली ग्रोथ जो है रेवेन्यू की वो भी काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के वो भी ठीक ठाक है, नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से NHPC एक बाय कॉल रहेगा गाइज, एक सेफ स्टॉक है, कम वॉलिटिलिटी जो है शेयर में आपको देखने को मिलेगी। तो 200 प्लस के टारगेट के लिए आप जो है NHPC में बैठिए, कोई भी कमी आपको जो है NHPC में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब इसका चार्ट सेटअप आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको NHPC का जो है चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप जो NHPC का काफ़ी बढ़िया बन रहा है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन फेज़ आया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे एक रिकवरी फेज़ हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट जो है गाइज देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही टाइम है गाइज NHPC में पोजिशन बनाने का, शॉर्ट टर्म में 150 और लॉन्ग टर्म में जो है 200 के टारगेट आपको जो है NHPC में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, NHPC शेयर हमारी तरफ से एक बाय कॉल रहेगा, बेफिक्र के आप जो इस शेयर में बैठिए, और यहाँ पे जो है मुझे लगता है एक रिकवरी फेज शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में 150, लॉन्ग टर्म में 200 के टारगेट आपको जो है NHPC में देखने को मिल सकते हैं। तो NHPC शेयर एक बाय कॉल रहेगा, यहाँ पे आप जो है 200 प्लस के टारगेट के लिए बैठे, कोई भी कमी आपको जो है NHPC में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे चार्ट सेटअप जो एक ट्रेंड हमें शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे इसी टाइम आपके वहाँ मौका है NHPC में बाइंग करने का, इसी टाइम आप जो है NHPC में बाइंग करके चलिए, और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेज़ी जो है NHPC में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, NHPC शेयर एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगा, यहाँ पे आप जो है 200 के टारगेट के लिए बैठिए, 200 प्लस के टारगेट आपको जो है NHPC में देखने को मिल जाएंगे। तो NHPC शेयर एक बाय कॉल रहेगा। तो चार्ट सेटअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है, टारगेट यहाँ पे आपको अच्छे जो है अचीव होते हुए दिख जाएंगे। तो NHPC में आप जो है बाइंग करके चलिए। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप जो है बेफिक्र होकर बाइंग कीजिए। तो गाइज, कोई भी अपडेट आता है स्टॉक से रिलेटेड हम आपको बता देंगे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।